दोस्तों, आजकल लोग जिंदगी की भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि कुछ समय बाद ही वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यह एक मानसिक बीमारी होती है जो कुछ लोगों को तो थोड़े समय के लिए ही रहती है, लेकिन कई लोगों का यह डिप्रेशन एक भयानक रूप भी ले लेता है। इस स्थिति में लोगों का मन जिंदगी से भर जाता है। इसी कारण इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी और उसके कामकाज में बुरा प्रभाव पड़ता है। यह बात सिद्ध हुई है कि पूरी दुनिया में 35 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन होने के मुख्य कारण हैं जैसे निरंतर चिंता करना, काम में मन न लगना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और कम बोलना आदि। डिप्रेशन में इंसान ऐसे खतरनाक कदम उठाता है जो उसे नहीं उठाने चाहिए, जैसे कि शरीर को नुकसान पहुंचाना, सुसाइड करने की कोशिश करना आदि। ऐसा माना जाता है कि 2030 तक आते आते डिप्रेशन मनुष्य पर इतना हावी हो जाएगा कि मनुष्य की असमर्थता का दूसरा सबसे बड़ा कारण होगा। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन कोई अभी की बीमारी है, ये हमारे पूर्वजों के ज़माने से चली आ रही है, परंतु चिंता का विषय यह है कि 21वीं सदी में इसका प्रभाव पहले से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले डिप्रेशन की शिकार ज़्यादा होती है। आजकल लोग इंटरनेट पर फालतू समय व्यतीत कर रहे हैं, वह अक्सर मानसिक परेशानियों का कारण भी बनता है। डिप्रेशन की वजह से इंसान अपना लगभग 65% समय तो चिंता में गुजार देते हैं। इंसान 18 से 33 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा तनाव महसूस करता है। तनाव में रहने वाला इंसान खुद से और दूसरों से झूठ बोलने की आदत बना लेता है और वह इंसान हमेशा परिस्थितियों का सामना करने से कतराता रहता है। डिप्रेशन के इन समय इंसान ये सोचता है कि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता और वह अपनी हार स्वीकार कर लेता है। तो आइए जानते हैं इंसान डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आपको किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर की सहायता से इसको दूर कर सकते हैं। अगर आप इससे बाहर आना चाहते हैं तो आप इसकी वजह जानें और फिर सोचें कि उस वजह से बाहर कैसा निकले जा सकता है। कल क्या होगा ये सोच सोच कर हम अपनी परेशानियों को और भी बढ़ा देते हैं, इसलिए हमें आज के बारे में ही सोचना चाहिए और आज को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने गाने सुने जो आपको पसंद हो। इससे तनाव में कमी आती है और इंसान खुद को तरोताज़ा महसूस करता है। इंसान डिप्रेशन को कम करने के लिए अक्सर शराब, ड्रग्स और नशीली चीज़ों का सहारा लेता है। नशीली चीज़ों का सेवन करने से कुछ देर के लिए तनाव दूर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी लत बन जाती है, इसलिए इंसान को इस तरफ तो सोचना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, अंत में मेरा यही सुझाव है कि अपनी समस्याओं को छुपाते और उन्हें लगता है कि दूसरों को न बताने पर वो समस्याएं दूर होंगी या उनका मजाक बनेगा, तो इससे आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की सलाह लेनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक